विकल्पी अलील। ठीक है, देखो बच्चों, पहली चीज तो अलील क्या है। अलील के बारे में मैं आपको बता दूं, ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो बीच बीच में आती रही हैं और मैं उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। अलील क्या होता है, जैसे हम एक विपर्यासी लक्षण की बात करते हैं, एक विपर्यासी लक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है, जिसके दो रूप हों। जैसे हमने ली लंबाई, अब लंबाई के दो रूप हो गए, एक तो लंबापन और एक बौनापन। तो लंबेपन का कैपिटल डी, बौनेपन का स्मॉल डी। अब बच्चों ये दोनों अलील कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे अलील, समझे। तो लंबाई के कितने अलील हो गए, दो। तो जो विपरीत लक्षण वाले युग्म का जोड़ा है, विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण हो गए उसे से अपोजिट है लंबा बौना, तो ये जो विपरीत लक्षण वाले युग्म का जोड़ा है इसे ही हम क्या कहते हैं, अलील के नाम से जानते हैं। हिंदी में से युग्म विकल्पी भी कहते हैं, युग्म विकल्पी। तो समझ गए होंगे आप, तो जो किसी भी लक्षण का जोड़ा है विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले युग्म जो है, जोड़ा युग्म मतलब जोड़ा हो गया, को उसी को हम क्या कहेंगे, अलील। तो कोई भी लक्षण हो, कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे अपन ने बीज का रंग लिया था, बीज के रंग के अलील क्या हो गए, कैपिटल रंग के थे या तो पीला या हरा, आकार के थे गोल या झुर्रीदार। तो ये जो विपरीत लक्षण वाले युग्म का जोड़ा है उसे ही अलील कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जोड़ा होता है, अब यहां पर क्या है, जो अलील हैं उसके बहु यानी बहुत सारे विकल्प हैं। वैसे तो अभी जैसे मैं बताया था कि दो का दो जोड़े होते हैं, मतलब सॉरी दो होते हैं यानी एक जोड़ा होता है, दो विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया लंबाई का, लंबापन बौनापन। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण हैं यानी एक जीन में बोल दूं जिनके कई अलील हो सकते हैं। जब दो से ज़्यादा अलील हों, जब किसी लक्षण के दो से ज्यादा अलील हो तो उसे फिर हम कहेंगे बहुविकल्पी अलील। ठीक है, वैसे तो एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, कोई भी जीन है, जैसे मैं बताया लंबाई का जो जीन होगा, जो लंबाई को निर्धारित कर रहा है, उसके दो अलील हैं। ठीक है, एक लंबाई को दर्शाता है और एक बौनेपन को दर्शाता है। लेकिन जब किसी भी जीन के दो से ज्यादा प्रारूप हो तो ऐसी स्थिति में हम उसे कहते हैं बहुविकल्पी अलील। ज़्यादा दूर ना जाएं, मानव में भी ऐसी घटना देखने को मिलती है, मानव में भी ऐसे लक्षण हैं जिनके जो जीन हैं उन जीनों के दो से ज़्यादा अलील पाए गए हैं, तो इसे हम फिर कहेंगे बहुविकल्पी अलील। जैसे मैं मानव की बात कर रहा था कि मानव में कौन सा क्या है, तो मानव में आपने रक्त है। बच्चों एक बात ध्यान रखने, हमारे शरीर के हर लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी है। शरीर का कोई भी लक्षण हो तो रक्त समूह भी होते हैं, आप पढ़े होंगे ए बी ऐसे कुछ रक्त समूह होते हैं ना, तो वो रक्त समूह भी जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर जो जीन रक्त समूह का निर्धारण करती है उस जीन का नाम है आई जीन। तो ये जो आई जीन है ये हमारे रक्त समूह का निर्धारण करती है। अब वैसे तो इस जीन के दो प्रारूप होने चाहिए थे, लेकिन इस आई जीन के तीन प्रारूप होते हैं, आई ए आई बी, या तो आप इसे आई जीरो बोल सकते हो या आप इसे स्मॉल आई भी बोल सकते हो। तो ये तीन प्रारूप हो गए। अब जैसे कि हमने बच्चों अभी बताया था कि जब किसी जीन के दो से ज्यादा प्रारूप हो तो उसे हम कहेंगे बहुविकल्पी अलील। तो ये एक बहुविकल्पी अलील की घटना होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि बहुविकल्पी अलील किसे कहा जाता है। तो बहुविकल्पी अलील किसे कहेंगे, जब किसी जीन के दो से ज्यादा प्रारूप हो, जब किसी जीन के दो से ज्यादा प्रारूप हो तो उसे हम बहुविकल्पी अलील कहते हैं। ठीक है, जैसे वैसे तो सामान्यतः दो ही होते हैं, लंबाई की मैंने बताया था दो ही होता है, या तो लंबे का या बौने का। लेकिन सपोज करो एक मंझले का जीन प्रारूप और हो, कि ना तो लंबा है ना बौना है, और एक मध्यम आकार का है और उसका भी जीन प्रारूप अलग से हो, तो वहां पर तीन हो गए।
लेकिन मटर में तो ऐसा था ही नहीं, या तो पौधे लंबे होते हैं या पौधे बौने होते हैं, तो वहाँ पे केवल दो ही अलील थे। लेकिन जैसे मैंने आपको रक्समूह बताया कि आई जीन के तीन प्रारूप होते हैं, इनमें से बच्चों ये आई ए और आई बी ये दोनों प्रभावी होते हैं किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो ये ए प्रभावी होता है जबकि ये प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों की उपस्थिति में ये वाला अपने लक्षण नहीं दिखा पाएगा, जब ये दोनों हैं तो उस स्थिति में ये लक्षण नहीं दिखा पाएगा। बता भी दूं मैं आपको, ये ए रक्समूह का धारण करता है, ये बी का करता है। अब ये यदि दोनों ही होते किसी जंतु में, अब दोनों ही प्रभावी हैं, सपोज करो किसी मानव में ये दोनों ही जीन हैं, और आपको पता है कि मैंने क्या कह रहा हूँ, दोनों ही प्रभावी हैं। जब दोनों जनक प्रभावी हों तो जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था सहभाविता, दोनों के ही लक्षण दिखाई देंगे, तो यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा। अब जब दोनों ही हैं तो लक्षण रक्षण कौन सा हो गया, ए बी। आई ए बी अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसमें ए बनेगा, आई बी भी अपना प्रभाव दिखाएगा तो बी बनेगा। अब उसमें ए भी है और बी भी है, तो जब दोनों ही होंगे तो फिर हो गया ए बी। और जैसा कि मैं बताया था, अगर दूसरा जो ये साथ में है तो ये प्रभावी है। अब इसके साथ अगर ये है, इसके साथ भाई आप पहले बताया था कि कारक सदैव जोड़े में होते हैं, अब ये तो सिंगल है, अब जोड़े में इसके जैसा भी हो सकता है, जोड़े में ये भी हो सकता है, या जोड़े में ये भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक बाद में भी आएगा तो आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो आपको बस इतना समझना है कि जो रक्त समूह होता है उसके तीन अलील पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, आई ए, आई बी और आई जीरो। चूँकि आई जीन के तीन प्रारूप हैं इसलिए ये बहुविकल्पी अलील कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखें, आई ए और आई बी प्रभावी हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर या आई जीरो के ऊपर, ओके। उसके बाद एक और टॉपिक है घातक जीन। घातक जीन क्या है, जैसे कि नाम से ही आ रहा है घातक, नुकसान पहुंचाने वाला, ऐसा जीन जो नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा जीन नुकसान पहुंचाए तो हमारे शरीर में क्या फायदा है, ऐसा नहीं है वो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ जीन होते हैं। देखो जैसे कि आप जान लें, हर एक जीन किसी न किसी एक लक्षण का तो निर्धारण करता ही है, कम से कम एक का तो करता ही है, ठीक है। तो वो किसी लक्षण को निर्धारित कर रहा है, ये कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो किसी लक्षण को निर्धारित करने के अलावा जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, यानी हमारे जीवन को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। तो यदि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे जीन घातक जीन, क्योंकि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायी हो गए। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, एक चूहे का ये प्रयोग है चूहे पर, ठीक है। चूहे की जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर, ये क्वेनोत नामक एक वैज्ञानिक थे, क्वेनोत, उन्होंने इसको स्पष्ट किया था, ठीक है। उनके अनुसार एक पीला लोम चर्ण जीन होता है, पीला लोम चर्ण जीन, जो पीला लोमचर्ण जीन होता है, मतलब जो पीले रंग को निर्धारित करता है, त्वचा का रंग जो होता है उसे पीला होता है, पीला लोम चर्म, चर्म यानी त्वचा से, तो इसका जीन होता है वाई, ठीक है। इसका जो अप्रभावी रूप है, ये एक प्रभावी लक्षण होता है, इसका जो अप्रभावी होता है वो भूरी त्वचा होती है, यानी भूरा लोमचर्ण जीन, इसको हमने स्मॉल वाई मान लिया, ठीक है। तो ये संयुग्मजी अवस्था में, संयुग्मजी अवस्था में त्वचा का रंग पीला निर्धारित करता है, जबकि स्मॉल वाई निर्धारित करता है भूरी त्वचा को, ठीक है। क्वेनोत ने प्रयोग किया है, उसने देखा है ये, जब हमने युग्मक बनाए इसके, तो इसका युग्मक बना और इसका बना, दोनों में क्रॉस कराया, देखा गया प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए
त्वचा का रंग पीला ही था। तो मैंने अभी कहा था कि जो पीला है वो यहां पर प्रभावी है, लेकिन जब इसका द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की गई, यानी इसका स्वपरागण करा के दूसरी पीढ़ी ये हो गई अपनी F1 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया, F का स्वपरागण कराया, यानी हमने ये विषमयुग्मजी हो गया, ये समयुग्मजी लोम चरण था, ये विषमयुग्मजी है, विषमयुग्मजी अवस्था में इनका आपस में क्रॉस कराया, तो देखो बच्चों आप भी कह रहे होंगे लक्षण आ गया 3:1, आप यही बोलोगे कि ये पीला ये पीला ये पीला लेकिन ये भूरा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहां पर 3:1 ना आकर 2:1 ही आ रहा है। कहां गड़बड़ हुई? कहीं गड़बड़ नहीं हुई बच्चों। ये जो समयुग्मजी पीला था, ऐसे चूहे उसे मिले ही नहीं, पीली त्वचा वाले रंग के चूहे तो मिले बट वो विषमयुग्मजी थे। अब ये मत पूछना उसे कैसे पता चला विषमयुग्मजी थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आपको किसी भी संतति का जीन प्रारूप ज्ञात करना हो तो हम टेस्ट क्रॉस करा के देख सकते हैं। टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो ये दो थे संकर पीली त्वचा वाले, जबकि ये था भूरा। जो समयुग्मजी अवस्था में पीले थे वो तो थे ही नहीं, कहां गए? उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि जो पीली त्वचा के लिए समयुग्मजी अवस्था होती है, यानी कैपिटल वाई, वो एक घातक प्रारूप है। यानी अगर ऐसी स्थिति हुई तो चूहे की मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर उसने त्वचा का रंग तो निर्धारित किया बट उसने जीवन को भी प्रभावित किया। तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण को निर्धारित करने के साथ साथ जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? घातक जीन। क्लियर है? तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा।